आज हम बनाने वाले हैं पिज्जा, वो भी घर पर और बिना ओवन के। इसके लिए सबसे पहले हम ईस्ट लेंगे और उसमें डालेंगे गर्म पानी। गर्म पानी मीन्स गुनगुना पानी, क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हमारा ईस्ट मर जाएगा। फिर हमें एक बाउल में थोड़ी सी मैदा लेनी है, मैदा को छान लेना है। उसके बाद उसमें डालना है थोड़ा सा नमक, जैसा भी हमें टेस्ट चाहिए होगा। फिर उसमें हम डाल देंगे ईस्ट और पानी का मिक्सचर, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे गुनगुना पानी। गुनगुने पानी से ये होगा कि इसमें फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो तेजी तेज हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, ये डो बहुत तेज़ी से राइज हो जाएगा। अगर ठंडा पानी लेंगे तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस बहुत स्लो होगी, तो ये जो राइज होने में ना डो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, कढ़ाई में डालना है नमक और उसको प्री हीट कर लेना है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे डो, जो कि काफ़ी ज़्यादा फूल गया है क्योंकि फर्मेंट बहुत अच्छे से हुआ है। अब इसमें हम एक मुक्का मारेंगे और जितने भी बबल्स या गैस है वो सारी निकाल देंगे। फिर हम इस डो को अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम इसका बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस, और एक फोक के माध्यम से इसमें छोटे छोटे छेद कर देंगे ताकि ये ज़्यादा फूले नहीं। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे वेजीज। वेजीज में मैंने ली है कैप्सिकम और अनियन। आप चाहें तो और भी वेजीज ले सकते हैं, लाइक कॉर्न, टोमेटो, ऑलिव्स, पनीर। मेरे पास सिर्फ दो अवेलेबल थी तो मैंने सिर्फ दो ही डाली हैं। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। चीज़ डालने के बाद ये पिज़्ज़ा जाएगा सीधे कढ़ाई में और हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद 25 से 28 मिनट तक इसको पकाएंगे। फिर बस हमारा ये टेस्टी सा यमी सा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है और अब हम इसको इंजॉय करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।